नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्मदिन है, जयंती है। आज ही वो धरती पर आए और उन्होंने ज्ञान का प्रकाश दिया। संत शिरोमणि रविदास महाराज एक ऐसी शख्सियत जो आज से सोचिए 600 साल करीब पहले इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे। आज उनकी जयंती है। मेरे साथ भाषाविद, सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक, इतिहास को समझने वाले और तमाम बुद्ध कबीर रविदास, फूले पेरियार अम्बेडकर कैसे सोचते थे और कैसे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज को भक्ति काल का कवि कहा गया, जबकि वो भक्ति काल के खिलाफ थे। वो वर्ण व्यवस्था, जातिवाद के खिलाफ थे। वो कहते थे कि सबको एक समान देखा जाए। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सर, एक पहला सवाल यही है कि भक्ति काल के दौर में वो हुए और कबीर रविदास, सबको कहा जाता है कि वो भक्ति कर रहे थे, भक्ति काल के कवि थे। ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि रविदास, कबीर, नामदेव वगैरह को भक्ति साहित्य में रखना और तुलसीदास को भी भक्ति साहित्य में रखना, दोनों में विरोधाभास है। चूंकि आज संत रविदास जी की जयंती है, आप इसको समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए कि एक तरफ लोग बताते हैं कि मीराबाई संत रविदास की शिष्या थी, दूसरी तरफ लोग बताते हैं कि मीराबाई ने परामर्श के लिए, सलाह के लिए तुलसीदास को पत्र लिखा था। यह संभव नहीं है। दोनों कवियों की वैचारिकी अलग अलग है। अगर तुलसीदास भक्ति के कवि हैं तो संत रविदास भक्ति से मुक्ति के कवि हैं। अच्छा, दोनों का काल सेम है। मतलब थोड़ा सवाल लेते जाऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी है इतिहास के। मतलब जो रविदास हैं, संत शिरोमणि रविदास हैं, और जो कह रही थी, जो वो थी मीराबाई, तो उनका समय दोनों का एक ही है, ड्यूरेशन एक है? नहीं, मीराबाई उम्र में छोटी थी। अच्छा, लेकिन मिलने जुलने की संभावना हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, जैसे मोदी जी ने कह दिया था ना कि वो बैठ के सब लोग एक ही साथ बैठते थे बनारस में, वो तो दूसरे के बारे में बोले होंगे। हाँ, तो हम लोग के यहाँ देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि रविदास की कविताओं को जो पाठ्यक्रम में कविताएं जो रखी गई हैं, उसमें उन्हीं कविताओं को चयनित किया गया है जिसमें रविदास की जो वो वाणी है जो कबीर की भांति है, सामाजिक समानता, जात पात का विरोध, इन स्वरों को पाठ्यक्रम से हम लोग गायब करते हैं। और रविदास को जो उपस्थित किया गया है पाठ्यक्रम में, वो प्रभुजी तुम चंदन हम पानी के रूप में, और रविदास के की तमाम कविताएं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से गायब हैं जिसमें वो कबीर के तेवर में हैं। कबीर ने परिकल्पना की थी अमर देश की, तुलसीदास ने परिकल्पना की थी राम राज्य की, और रविदास ने परिकल्पना की थी बेगमपुरा जी। तो इस अर्थ में हम लोग देखते हैं कि कबीर ने कोट किया रविदास को, कबीर ने रविदास को संतों का संत कहा, कबीर साहब ने कहा। अब मैं तो कहता हूं कि कबीर खुद ही बड़े संत थे, और उतने बड़े संत, जिस संत को कहे कि ये संतों के संत हैं, तो विचार कीजिए कि रविदास कितने बड़े संत रहे होंगे। और रविदास साहब ने कोट किया है कबीर को, कबीर ने कोट किए हैं रविदास को, नामदेव दर्जी को,
ए ए ए इन लोगों में आपसी समझ थी कि एक दूसरे के बारे में कहा जाना चाहिए। वो विवेक तो अभी नहीं है, अभी नहीं है, जबकि उतना पहले उन लोगों के पास एक ज्ञान था कबीर और रैदास का। और की जो मृत्यु हुई वो रैदास के सामने हुई, और दोनों बनारस से थे, दोनों बनारस के थे, दोनों भोजपुरी बेल्ट के थे, तो भाषा पर तो बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन संत रैदास ने कबीर की मृत्यु पर बहुत मार्मिक कविता लिखी है, और वो कविता डॉक्टर राम कुमार वर्मा की किताब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें वो कविता मिलेगी, देही सहित कबीर विदाई, देह सहित कबीर धरती से विदा हो रहे हैं। यह मैं समझता हूँ कि हिंदी की, पूरे हिंदी साहित्य की पहली शोक कविता है जिसको संत शिरोमणि रैदास जी ने लिखी है, जिसको इतिहास में ये दर्ज नहीं है। बाद में निराला की कविता सरोज स्मृति की चर्चा होती है कि पहली कविता है या पहला शोक गीत है हिंदी साहित्य का, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हिंदी का पहला शोक गीत संत शिरोमणि रैदास ने ही लिखा था। भाषा पर बात हो रही थी कि दोनों लोग भोजपुरी बेल्ट के थे, संत कबीर भी और संत रैदास भी, लेकिन आप देखिएगा कि संत रैदास की कविताओं में भोजपुरी तत्व सिरे से गायब हैं। और यही बात संत कबीर के साथ भी है। संत कबीर की जो रचनाओं का संग्रह हुआ है इलाहाबाद से बेल्वेडियर प्रेस ने निकाला है, उसमें आप देखिएगा कि वो भोजपुरी के तत्व हैं, लेकिन बाकी संपादन में भोजपुरी तत्व कम हैं। सर, एक जो भाषा, एक जो बेईमानी हुई है, ऐतिहासिक बेईमानी जो है, चाहे कबीर साहब के साथ हो, बुद्ध के साथ हो, रविदास के साथ हो, जिसको आप खोद रहे हैं, जिसकी आप शब्दों की खुदाई कर रहे हैं, जिस तरह से उनके पोर्ट्रेट किया जाता है संत शिरोमणि रविदास महाराज के, कि वो हिंदुइज्म के प्रतीक लगते हैं, खासकर सनातन के प्रतीक लगते हैं, जबकि पूरा रविदसिया समाज जो है वो उनको जिस तरह से मानता है, और जिस तरह से उनकी जो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की बात है, और उस दौर में जब मुगलों का दौर है, मुस्लिम राजाओं का दौर है, तो उसको कैसे देखते हैं? इतना बड़ा स्पेस मिलना, इसका मतलब जो मुस्लिम शासक थे वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे, उनको धर्म को लेकर बहुत पाबंदियाँ नहीं थी कि नहीं इस्लाम मानो या दूसरे विचार को मत रखो, और इनको जिस तरह से सनातनी पोर्ट्रेट करते हैं लोग, उस पर कैसे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? नहीं, ज़्यादा मुगल डेमोक्रेटिक थे इसको तो एक उदाहरण से समझा भी जा सकता है। मुगल सम्राट अशोक के समय में ही, सम्राट अकबर के समय में ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, और मुगल राजाओं ने उसे प्रतिबंधित नहीं किया, जबकि आजाद भारत में जब डेमोक्रेसी आ गई तब ललित सिंह यादव ने सच्ची रामायण, जो सच्ची रामायण लिखी, तो उस पर प्रतिबंध लगा, ट्रांसलेशन किया उन्होंने पेरियार के सच्ची रामायण का, ट्रांसलेशन किया हिंदी में। इससे आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास को छूट थी लिखने के लिए मुगल काल में, लेकिन पेरियार ललित सिंह को छूट नहीं थी, या लिखे तो उसको प्रतिबंधित किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओपिनियन है, विचार है। रविदास महाराज को जो जमीन मिलती है, जो दिल्ली में विवाद हो रहा है, जो मुस्लिम शासक हैं वो उनको जमीन देता है, बड़ा वो टुकड़ा आज जमीन पर लोग कब्जा जमा रहे हैं, तो जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश है उनको, सनातन जो कर्मकांड व्यवस्था है, उसको कैसे देख रहे हैं? उससे रविदास महाराज के बारे में क्या, कैसे लोग निकले, क्योंकि जिस तरह के मिथ फैलाए गए हैं, सोने का कंगन, और ये चूँकि बनारस मैं सबसे ज़्यादा कर्मकांड का शहर मानता हूँ, बनारस कबीर का भी शहर है, रविदास जी का भी शहर है, और उसी तरह से कर्मकांड का भी शहर है। खुद बड़े आलोचक रहे, कबीर ने कहा कि मैं यहाँ अपना देह त्यागना पसंद नहीं करूँगा बनारस में, तो ये जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है इससे कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि रविदास जी को कहीं ना कहीं अपने में समाहित करने की कोशिश है, जैसे बुद्ध को कहा जा रहा है कि विष्णु के अवतार हैं, जबकि वो सबसे बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी थे, रविदास साइंटिफिक,
और थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बताइए। जैसे कहा जा रहा है कि ये जूता गांठते थे, जबकि मुझे लगता है कि बहुत पढ़े लिखे आदमी होंगे, चाहे रवि कबीर हों या रविदास हों। खैर हम तो बराबर कहते रहे हैं कि संत काल में हिंदी साहित्य में जाति की चोरी बहुत हुई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।